Selanjutnya, naik. चलिए, सात नंबर हो गया आपका, आठ भी बन जाएगा आपसे कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। नौ नंबर, दस नंबर, नौ में प्रॉब्लम। चलिए नौ को समझिए, कहता है कि यदि a बराबर थ्री माइनस फोर वन माइनस वन तो दिखाइए कि सो डेट a माइनस a डैश, ठीक है, एक विषम सममित है जहां a डैश अभी a का परिवर्त है, ठीक है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, मतलब हमें यह कह रहा है कि a को अभी है तो दिखाइए कि a तथा a डैश, अरे क्वेश्चन ही कह रहा है, क्वेश्चन आपको क्या कहता है पता है, यह a दिया हुआ, a दिया हुआ है तो a माइनस a डैश मतलब a t, इसको जांचे कि यह क्या है, सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब विषम सममित है, यही हमें क्या करना है, चेक करना है विषम सममित। तो भैया हो विषम सममित के बारे में आपको बता रहे थे a बराबर माइनस a डैश, तो यह जो दिया है इसको हम लोग p मान लेंगे, तब हम लोग यह जो निकलेगा तो p निकलेगा, तो p निकालने के बाद p डैश निकालेंगे, अगर p बराबर हो गया p डैश के, इसका मतलब p माइनस p के, तो आपका यह विषम सममित है नहीं तो नहीं, तो हम लोग यही काम करेंगे, समझ रहे हैं ना। आइए अब देखिए एक बात, हम लोग क्या है, जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है, हम कहना यह चाह रहे हैं आपको क्या, ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नौ नंबर में, यहाँ हेयर, हेयर में a बराबर दिया हुआ है, ठीक है, तो a बराबर आपको दिया हुआ है, जो लिख लीजिएगा a बराबर क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से समझिए, दिया हुआ है थ्री माइनस फोर, फिर दिया हुआ है वन माइनस वन, तो दिखाइए क्या निकालिए, मान लीजिएगा, इसीलिए माना कि p बराबर, जैसे p न मानिएगा तो यो बनेगा, लेकिन मान लीजिएगा p क्या निकालना, जो निकाले कि ओकरा p से सूचित करेंगे, जैसे e पढ़ने में हमको कष्ट दे रहा है, इस समझने में दिक्कत करेगा a माइनस डैश क्या होता है, नहीं समझे, तो वो एगो मैट्रिक्स से निकलेगा, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, a माइनस डैश को p मैट्रिक्स मान लेंगे, समझ गए मेरा बात। अब यहाँ पे ये पता है a डैश निकाल लेंगे,
ये डैश निकालेंगे तो ये उसको रो से कॉलम में चेंज, रो को कॉलम में चेंज कर, ठीक है। अब यहां से काम क्या करना है जरा ध्यान से सुनिए मेरा, ठीक है। अब यहां से डैश निकल गया, अब आपको क्या करना है भाई साहब सुनिएगा गौर से, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, ए माइनस ए डैश, तो ए के जगह ए का वैल्यू माइनस बी डैश ए डैश, तो ए के जगह रख दीजिए थ्री माइनस फोर फिर वन माइनस वन, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे थ्री वन माइनस फोर और माइनस वन दोनों को घटा दीजिए, घटाइएगा तो तीन में से तीन जीरो, माइनस चार में से माइनस फाइव, वन में से माइनस तो प्लस फाइव जीरो, ये आपको बच गया। समझ रहे क्या है आपका, जरा ध्यान से समझ। हेलो चलिए यह बस ये। अब हमें क्या करना है कि इतना जो आया वह क्या आया, किसके बराबर, P के बराबर। एक मतलब P को चेक करना है कि सममित है कि विषमसममित, तो हम लोग यहाँ से P डैश निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे P डैश। जैसे P डैश निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए मेरा बात, P डैश निकाल लिए, ठीक है। जैसे P डैश निकालेंगे तो आपका क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, P डैश क्या निकाले हम लोग, P डैश। तो P डैश निकालेंगे तो इसको रो से फिर कॉलम में चेंज, इसको जो P आया उसको, और P यही चीज है जी, तब इसको हम लोग लिखेंगे फिर फाइव और जीरो। अब इस चीज को माइनस P डैश निकाल देंगे, एक मतलब माइनस इधर गुना माइनस से गुना, तो माइनस गुना जीरो, ये माइनस फाइव कॉलम फाइव हो जाएगा, समझ रहे हैं। जीरो दोनों आपस में बराबर, इसीलिए पी इज मतलब पी क्या था, ए माइनस ए डैश इज क्या होगा, एक क्या होगा, यह एक सममित नहीं विषम सममित, क्या है विषम सममित, विषम सममित आदि है, यही हमें सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया पूर्व, समझ गया मेरा बात, यही समझे। चलिए और बोलिए आप आगे, नौ के सब एहने हैं, सब बन जाएगा, दस के देखिए दस में कति करना है, दस नंबर सवाल इम्पोर्टेंट है, भी है यह पूछा हुआ है 2009 और 10 हम 10 के लिए पटाइंग बना चुके हैं, आप जो या थ्योरी पढ़ाए होंगे या 10 के समय को सवाल बनाए समझे, कहे थे कि बदली एक्सप्रेस द पी प्लस क्यू के रूप में फॉर्मूला लिखाए थे, ऐसे ध्यान दिया आप पाइए तो पी बराबर वन बटा टू ए प्लस ए है, क्यू बराबर वन बाई टू बाई ए या माइनस ए है, ये फॉर्मूला लिखा है, इसको हम लोग कहते हैं सममित, उत्पन्न क्या करता है लिखेंगे हम लोग सबसे पहले यहाँ, यहाँ न दिले कुछ न दिले तो मान लीजिएगा, माना कि ए बराबर क्या करेंगे हम लोग, माना कि ए बराबर, ए बराबर मान लेंगे और ए बराबर निम्नलिखित अभियुक्त को, निम्नलिखित अभियुक्त को मतलब नीचे दिए गए अभियुक्त को क्या करना है, परिवर्त सममित और विषम सममित अभियुक्त के योग के रूप में लिखे, ये वो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको दो को में लिखना है, जैसे दस को कम देगा तो दो को विषम संख्या के जोड़ के रूप में लिखे, कोई कह देगा दस को सम संख्या के रूप में लिखे लेकिन है दस से खाली सम का है तो सम में बदल दिए, विषम का है तो विषम बदल दिए, तो उसी प्रकार से कहता है ये वो मैट्रिक्स है, क्या है मेरे भाई, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या है इसको बदलना है दो गो मैट्रिक्स में, कै गो में, दो गो में, एक कर होगा ये जो सममित होगा, क्या होगा यह सममित, यह क्या होगा विषम सममित, ऐसे आपको दो में क्या करना है बदलना है, इतना बात समझ गए, कोई दिक्कत, अब आइए हमको करना क्या है जरा ध्यान से समझिएगा, तीन दो के रूप में ले आएंगे, यही आपका आंसर,
होता है, इसको हम लोग पी माने थे, इसको हम लोग क्यू माने थे। और पी वाला अगर फॉर्मूला लिखे थे 1/2 और ए प्लस ए डैश, और क्यू वाला फॉर्मूला लिखे थे 1/2 ए माइनस ए डैश, यही काम हमें करना है, दोनों निकाल के चेक करना है कि समझ है कि। आइए हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे ऐसे सवाल में जो दिया हुआ है ना, उसको हम लोग मान लेंगे, क्या कर लेंगे मान लेंगे। माना कि ए बराबर यहाँ पर माना कि ए बराबर, ए वो मैट्रिक्स के नाम है दिया हुआ है। ये सवाल तो बनाने दो, क्या दिया हुआ है? हाँ तो पहले का नाम बोलिए, एक बार आइए दो सरका में या फिर सरका में, फिर सरका में आते तीन नंबर 10 के 3, क्योंकि पहले काम बना चुके हैं। 2 1 -4 फिर आपका -1 3 और 4 फिर आपका 1 -2 -3 समझ गया मेरा बात। अब आइए जरा ध्यान से सुनिएगा हम बात क्या कर रहे हैं कि एक चीज हो गया, यहाँ से हमको करना क्या है, ए डैश मुझे निकालिए। सर डैश क्यों निकाले? फॉर्मूला पी के पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश, इसलिए हम लोग ए डैश निकालेंगे। डैश का मतलब रो से कॉलम में सीधा, रो से कॉलम में फिर 2 1 -4 यहाँ से हम लोग काम करेंगे 1/2, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ए का मान, यहाँ पर आई के फिर एक प्लस ए डैश का मान, फिर बाई के मान डालिए। ए के जगह ए का मान क्या है? 2 1 -1 3 4 1 -2 -3 अब यहाँ ए है, यहाँ पे क्या है? 2 -1 1 3 -2 -4 4 है, फिर आपका -3 तो दिक्कत। अब देखिएगा ध्यान से हम कहना क्या चाह रहे हैं, P बराबर 1/2 आई, इसको क्या करना है जोड़ना, तो 2 जोड़ेंगे 4 1 से -1 जोड़ेंगे 0 4 से 1 जोड़ेंगे -3 1 से 1 जोड़ेंगे 0 3 से 3 और 6 4 से 2 जोड़ेंगे 2 प्लस 2 4 से 2 घट जाएगा, 1 आई 4 -3 2 आई 4 प्लस 2 -3 और -2 -6 अब 2 से भाग दे दीजिए, ये कथी बराबर निकलेगा, p बराबर तो भाग दीजिएगा 2 से 4 में 2 0 -3/2 0 3 आइए 1 आई -3/2 आई 1 आई -3 या का आया निकल गया कथी। और p को चेक भी करना है, समीत है कि विषम समीत, हम लोग चेक कर लेंगे, तो चेक करते हैं p डैश कैसे तो भाई साहब डैश का मतलब रो से कॉलम में चेंज, अब सीधा रो से कॉलम में कॉलम, इसे हम लोग यहाँ पर करेंगे 2 0 -3/2 फिर आपका यहाँ पर होगा 0 3 1 फिर होगा -3/2 1 और फिर -3 यह चीज हो गया। अब यह दोनों बराबर है, देख लीजिए बॉस है कि नहीं है, 2 2 0 0 -3 -3 0 3 3 1 सब सेम है, हम लोग लिखेंगे एक बार बगल में, क्योंकि p बराबर p है, इसीलिए p एक क्या हुआ, सममित आवयव हुआ, क्या हो गया, सममित आवयव है, इतना बात समझ गए, उसके बाद समझेगा हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ से क्या सममित है, अब क्या कह रहा है यहाँ से, कथा हम लोग निकालेंगे क्यू बराबर विषम समित, क्वेश्चन क्या कहा, ए गो अभियु को बदलना है दो गो अभियु में, दो गो में एगो सममित एगो एगो सममित एगो विषम, ऐसा दो गो में क्या करना है बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से क्यू आप निकाले, क्यू का फॉर्मूला 1/2 a - a तो फिर हम यहाँ से 1/2 ब्रैकेट में a लिखेंगे, माइनस में हम a डैश लिखेंगे, तो ए से तो ए तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान ए ए के जगह हम क्या करेंगे मान डालेंगे, ए के जगह क्या करेंगे मान डालेंगे,
तो एक के जगह जरा ध्यान से सुनिए मेरा बात, ए ही है याद आइए, दो एक माइनस चार, फिर ए में माइनस वन बोलिए ना, तीन चार एक वन माइनस फिर ए डैश यहाँ से टू माइनस एक और वन, अब यहाँ देखिए वन वन माइनस टू, फिर एवर होगा माइनस चार फोर माइनस थ्री, जीरो एक मिनट से घटा माइनस फिर भाग देना जीरो एक माइनस पांच बटा, फिर एक बार दूसरे तो माइनस एक जीरो फिर एक बार पांच बटा दो माइनस तीन निकला कथी बराबर, तो हम तो क्यू निकालिए तो क्यू डैश निकालेंगे रो से कॉलम में क्या वाला तो पहला में जीरो वन माइनस फाइव बाई टू, फिर क्या होगा माइनस वन जीरो थ्री, फिर क्या होगा फाइव बाई टू माइनस थ्री, ठीक है। अब यहाँ से माइनस क्यू डैश क्योंकि विषम के लिए माइनस, आगे माइनस गुणा कर दें तो जीरो माइनस 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 इसको देखना है, इसको देखना है Thank you.